हे एवरी वन माई सेल्फ फरीजा खान माई नी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्कोर सिक्स थर्टीन एंड मई ऑल इंडिया रैंक इज टू वन सेवन थ्री टू ऑल द्रेड ऑफ माई सिलेक्शन गोज टू डॉक्टर एस पी सिंह सर माई पेरेंट्स एंड द होल न्यू लाइट टीम इस साल मैं एस आर बी बैच में थी मेरा ग्रुप था एस और मेरा लास्ट ईयर जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था कट ऑफ के और मैंने शायद ज़्यादा फॉल्स होप रखी थी कि शायद इस रैंक तक मुझे कॉलेज मिल जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट आई थी मैंने लास्ट दिसंबर में आके एस आर बी बैच ज्वाइन किया था जो कि सिर्फ चार महीने बचे थे हमारे नी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए और इतना ज़्यादा कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है यहाँ पे भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो उस चीज़ से उस प्रेशर में क्योंकि अगर आप जब लास्ट में ज्वाइन करते हो तो जो बच्चे पहले ज्वाइन कर लेते हैं वो आपसे थोड़ा अबव हो जाते हैं तो वो प्रेशर की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो इस साल अगर आपके जो आपकी जो रैंक है वो ट्वेंटी फाइव के अराउंड है और आपका जो मार्क्स है वो फाइव नाइन्टी फाइव और सिक्स हंड्रेड के आसपास है तो आप लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इतनी लो तो रैंक इस बार हाई कट ऑफ जाएगा इतना ज़्यादा तो जाएगा नहीं आप ऐसा हर भी बैच है कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते तो, टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है आप लास्ट ईयर अगर इस साल आपका ऐसा रुका है तो अगले साल ना रुके तो आप अभी से बहुत ज्यादा मेहनत करिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो रहा है और जो मेरी गलती रही है कुछ तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा और अच्छा हो सकता था मेरी बबलिंग मिस्टेक हो गई थी केमिस्ट्री में मैं भर के नहीं आ पाई थे ऑल दो मैंने टेस्ट दिए थे बट लास्ट के मैंने कुछ टेस्ट छोड़ दिए थे जो भी था बट मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी आप लोग को कि टेस्ट तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़िए सारे सारे जितने भी करा रहे हैं टेस्ट ही है और अच्छी रैंक के लिए सबसे नॉलेज तो सबके पास ही होती है वही सब, सब से से चार बुक है, है बायो में और केमिस्ट्री में लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा जो आप नीट का पेपर दोगे आपको यही लगेगा कि आप अपनी टेस्ट सीरीज का ही कोई नॉर्मल पेपर दे रहे हो तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर आ रहा है वो हम सबको पता है कि पूरा एन सी बेस्ड आ रहा है बायो में तो आपको कोई भी अदर सोर्स पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ एन सी आर पढ़िए केमिस्ट्री में भी आप नोट्स पढ़ लीजिए अपने जो भी आपके टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं और एन भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फालतू के इधर उधर के नोट्स जो टेस्ट सीरीज़ हमारी जो न्यू लाइट की है वो खुद ही इतनी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेरा जो स्कोर बायो में इतना अच्छा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एज़ न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ की वजह से ये है कि मेरा मेरी जो केमिस्ट्री बिगड़ी थी वो शायद कुछ रीज़न था कि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से या केमिस्ट्री को अच्छे से फोकस नहीं किया वरना मेरा स्कोर और अच्छा आ सकता था और मेन रीज़न था कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट में एस आर बी बैच ज्वाइन किया था तो आप लोग ये गलती मत करिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए थैंक यू